Otherwise, in this video, we are going to solve this question. So this question is of chapter 1, real number. So we need to find the LCF of these two numbers. So first of all, what do we need to do? We have to compare these two numbers first. So 135 is less than 225. Then divisor will be 135, divided will be 225. So 225 ko divide karenge hum 135 से. कब तक करेंगे? जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं होता. तो इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135. एंड कितनी बार में, वन बार में बचेगा क्या हमारा 90. फिर 90 को डिवाइड, 90 से डिवाइड करेंगे 135 को, तो रिमाइंडर होगा वो बन जाएगा हमारा डिवीज़र. तो ये हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 45. एंड आगे फॉरवर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा. वापस जो जो हमारा वो था डिवीज़र, वो बन जाएगा हमारा डिवाइडेंड. एंड जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवीज़र. अब ये फिर ये कितनी बार में आएगा, ये आएगा टू बार में. ये 45 टू जा 90, एंड ये 90 आ जाएगा. और 90 को करेंगे कितना आ जाएगा 0 0, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा 0. तो जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम यहाँ इसे कर देंगे, इसे कर देंगे हम स्टॉप. तो ये हो जाएगा हमारा स्टॉप. और जो हमारा ये होगा डिवीज़र, वही होगा हमारा HCF. सी गाइस, तो अब इसका दूसरा तरीका कैसे सॉल्व करते हैं, इसे दूसरा तरीका बता देता हूँ. इसे करते हैं हम LCM वाले से. तो LCM से कैसे करेंगे, सो लेट्स चेंज द कलर. तो सबसे पहले हम डिवाइड LCM निकालेंगे 135 का. तो पहले किससे जाएगा, ये जाएगा 3 से. 3 से जाएगा कितनी बार में, 4 एंड 5. फिर 3 से जाएगा, ये आएगा 1 एंड 5. फिर 3 से जाएगा, एंड आएगा 5. एंड 5 से जाएगा, यह आएगा 1. तो इसके जो फैक्टर होगा वो क्या हो गए, 3 मल्टीप्लाई, अभी बाद में लिखेंगे फैक्टर. फिर लेते हैं दूसरा नंबर, ग्रीन कलर लेते हैं. ऐसे करेंगे 225 को, ये जाएगा, ये भी 3 से चले जाएगा, यह आ जाएगा 7 और 5. फिर ये 3 से जाएगा, यह आ जाएगा 2 और 5. फिर ये जाएगा 5 से, यह जाएगा 5. फिर जाएगा ये 5 से, यह आ जाएगा 1. सॉरी, तो आ जाएगा ये हमारा 1. अब इसके लिखेंगे फैक्टर हम एक साथ. सो दूसरा कलर लेते हैं, चूज करते हैं अदर कलर. ठीक है, सो लिया कलर. अब तो 135 का फैक्टर क्या आएगा हमारे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. एंड 225 के क्या आएंगे हमारे फैक्टर, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. अब करेंगे हम पेयरिंग. तो 3 का पेयर बन गया इसके साथ, 3 का इसके साथ बन गया, एंड 5 का इसके साथ बन गया. तो जो पेयरिंग होगी उन्हें लिखेंगे एक एक बार. तो जो HCF होगा वो क्या आएगा हमारा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. तो 9 5 जा 45, और HCF होगा हमारा HCF 45. तो ये दो तरीके हैं, दो मेथड है, और दोनों मेथड से हम निकाल सकते हैं हमारा HCF. तो ये थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन ये सबसे इजी है, क्योंकि इसमें आपको अलग LCM नहीं निकालना, एक ही बार में डिवाइड करते चले जाना है. सो गाइस, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द HCF ऑफ एनी टू नंबर्स. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. प्लीज लाइक शेयर कमेंट. थैंक यू, बाय बाय.